जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज मैं बात करूंगा एंथनी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत यात्रा, और इस भारत यात्रा में उन्होंने ये कहा कि अगर भारत अभी ट्रेन मिस कर देता है तो फिर ये ट्रेन आखिरी है प्लेटफॉर्म पर, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा, चाइना के साथ टक्कर और चाइना के साथ बराबरी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत चाइना को टक्कर दे सकता है, चाइना से आगे भी निकल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि भारत कि जो शताब्दी है वो आ गई है, उसका आगमन हो गया है, और चाइना को कंटेन करने में ये बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो क्या है ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी, आपकी टाइडल वेव्स को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी, इस तरीके से जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, आपने वो बैटरी कार्स और गाड़ियों के बारे में सुना होगा, ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी बहुत पूरी दुनिया में शोध हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई नई चीजें रोज दुनिया में आ रही हैं, जो सारा डायनेमिक्स चेंज कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, गाड़ियां आती हैं, तो रेलिवेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और द पेट्रोल ये कम हो जाएगा, तो मिडिल ईस्ट की वैल्यू जो है अभी इस समय बहुत हाई है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो भी कम हो जाएगी। फिर आपने देखा कि अगर आप ओलंपिक्स देख रहे होंगे तो आपने देखा कि एक रोबोट ने कैसे बास्केटबॉल खेली, बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर कितनी कितनी दूरी से उन्होंने उस रोबोट ने गिराया, डी के अंदर से, डी से और सेंट्रल लाइन से, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसने बास्केट की। तो ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अंदर भारत को पहल करनी पड़ेगी, बढ़त बनानी पड़ेगी, तभी आप चाइना का टक्कर ले सकते हैं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की भी बात करी कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का भी भारत को शोध करना चाहिए, उसके अंदर भी बढ़त बनानी चाहिए। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी जो क्लाइमेट चेंज को, चेंज में बदलाव के समय यूज हो सकती है? ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्नोलॉजी है कि भाई गर्मी बढ़ने से काफी आगें लग रही हैं, आग लग रही है, फिर आपके पोल्यूशन कंट्रोल की मशीनें हैं, आपने वो एयर प्यूरिफाइंग टावर्स के बारे में सुना होगा, दिल्ली के अंदर जब स्मॉग बढ़ जाता है तो उसका एक हल बताया गया कि जी एयर प्यूरिफाइंग टावर्स। फिर आपने घर के अंदर भी एयर प्यूरिफायर्स देखे होंगे, वो भी बाजार में बिक रहे हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर ये टेक्नोलॉजीज आई हैं। अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन जनरेटर्स भी काफी चर्चा में थे, तो ये ऑक्सीजन जनरेटर्स भी इसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है। एंड लाइकवाइज बहुत सारी और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से कोरल रीव्स का नुकसान होगा समुद्रों में, फिशिंग पे फर्क पड़ेगा, तो जब कोस्टल रीजन में फिशिंग में फर्क पड़ेगा तो आपको डीप इनसाइड जाना पड़ेगा और आपको डीप इनसाइड फिशिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास में जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है वो इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे इकोलॉजी को नुकसान ना पहुंचे और जो चीज आपको चाहिए वही चीज को टारगेट किया जाए और उसी चीज को निकाला जाए। एंड लाइकवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, तो चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, चाहे वो एयर प्योरिफिकेशन हो, चाहे वो
आपकी खेती रिलेटेड चीजें हों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्रॉप पैटर्न भी चेंज होगा, और क्रॉप पैटर्न चेंज होने से फैमिन भी हो सकता है और किल्लत भी हो सकती है खाद्य पदार्थ की, तो उसको भी आपने बैलेंस करना है, उससे भी उबरना है। तो ब्लिंकिन का ये कहना कि भारत को ये इन सारे क्षेत्रों में पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ट्रेन मिस कर देगा भारत, और प्लेटफॉर्म पर ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आने वाली, कोई ट्रेन नहीं आने वाली मतलब कि अगले 50 60 साल 100 साल तक कोई ट्रेन नहीं आएगी, और जो इस क्षेत्र में बढ़ोत बना गया, बढ़ोतरी ले गया, वो आगे चला गया, उसके साथ में कैचअप कैचअप करना थोड़ा मुश्किल और कठिन भी हो जाएगा, और भारत जैसे मुल्क के लिए तो असंभव भी हो जाएगा। अमेरिका जैसा मुल्क हो तो वो चाइना के साथ या चाइना अमेरिका के साथ तो कैचअप कैचअप खेल सकता है, लेकिन भारत अभी बहुत पीछे है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। अब जब बात चाइना की है, बात इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की है, तो अब ये समझते हैं कि चाइना कहां पे खड़ा हुआ है, अमेरिका कहां खड़ा हुआ है, और अमेरिका जहां भी खड़ा हुआ है उसको भारत के पास आने आने की क्या मजबूरी है। हमने ये सब बहुत आकलन सुने होंगे कि साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, वहां पर एक ग्रेट गेम शुरू हो गया है, और उस ग्रेट ग्रेट गेम की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को अबेंडन करना उचित समझा, क्योंकि अफगानिस्तान से अब कोई फायदा नहीं होना है, तो उसको लगता था कि ये फालतू में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहां से निकल के अब पूरा फोकस साउथ चाइना सी में है। ये तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं यहां पे अलग बात कर रहा हूं। अभी ये हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना एक राइजिंग पावर है, चाइना के पास बेशुमार दौलत है, चाइना के पास इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री अभी चाइना के हाथ में है, चाइना अभी इकोनॉमी को जो यूएस डॉलर बेस्ड या डिक्टेटेड इकोनॉमी है उसको चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने की सिचुएशन में है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक ढलती हुई पावर है। तो जब एंथनी ब्लिंकन इंडिया आए, उन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को टच नहीं किया, अमूमन कोई भी यूएस का डिग्निटरी इंडिया आता था वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इशू, प्रेस फ्रीडम का इशू, मिशनरीज योर एनजीओस का इशू, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने एनजीओस और मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरीज का पॉइंट उठाया था, तो ये उन्होंने बड़ी स्मार्टली इसको मिस आउट किया, उसको छोड़ा, और इंडिया ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कि अमेरिका को किसी प्रकार का ठेस पहुंचे। बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट और इस टाइप की जो चीजें हैं, इससे दोनों ने दूरी बना के रखी, और कारण सिर्फ चाइना है, ग्रोइंग चाइना है, उससे डर सबको लग रहा है, अमेरिका को कुछ ज्यादा लग रहा है, भारत को तो लग भी रहा है और वो सह भी रहा है। अब चाइना की पावर समझने के लिए हम यूरोप में चलते हैं। उगियुर मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से चाइना में तशद्दुद हो रही है, वो एक वाहिद इलाका है जहां पर कुरान में तब्दीली करी गई। आप कुरान में तब्दीली की बात कर दें या कुरान के ऊपर तनकीद कर दें तो आपके ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं, आपको मरने मराने की नौबत आ जाती है, लेकिन चाइना ने कुरान ही बदली कर दी, चाइना ने वो सारी आयतें हटा दी जिससे टेररिज्म फैलने की, बढ़ने की, उठने की आशंका है। जितनी भी मस्जिदें थीं वो सारी उसने बंद कर दी, तबाह कर दी, जो अरेबिक जो अल्फाबेट्स थे वो सब हटा के और चाइनीज अल्फाबेट्स कर दिए, कि आप अपनी लोकल उगियुर भाषा बोलेंगे लेकिन जो स्क्रिप्ट है आपकी वो अरेबिक स्क्रिप्ट नहीं होगी, वो चाइनीज स्क्रिप्ट होगी। ये ठीक उसी तरीके से कि अगर हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि वहां पर अरेबिक स्क्रिप्ट या उर्दू स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, वहां पर हिंदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इट इज समथिंग लाइक दैट। या पंजाब में बोलें कि आप गुरमुखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, या तमिलनाडु में बोलें कि आप हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी लिपि देवनागरी का इस्तेमाल करेंगे लिखने में,
तो इट इज समथिंग लाइक दैट। कोई भी आवाज आपने यूरोप से उठती नहीं सुनी होगी चाइना के खिलाफ। चाइना जिस तरीके से टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन में टिबेटियंस के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, ये सबको मालूम है। दलाई लामा से नफरत करता है, वो दलाई लामा जिसको पूरी दुनिया पूछती है। लेकिन आपको यूरोप में कोई भी आवाज चाइना के खिलाफ सुनने को नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर फ्रांस। फ्रांस क्यों अलग है उसका थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जर्मनी की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, और आपको याद होगा कि एंजेला मार्कल ने कुछ प्रयास किया था चाइनीज को घेरने का, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले जो जायंट्स हैं वहां पर, मर्सिडीज वगैरह, ये सब गए एंजेला मार्कल के पास में कि मैडम आप प्लीज चाइना के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दें, नहीं तो हमारा बिजनेस और हमारी सारी जो इकोनॉमी है ऑटो इंडस्ट्री बेस्ड वो कोलैप्स हो जाएगी अगर चाइना ने नलका बंद कर दिया तो, या पूंछ में मरोड़ा दे दिया। तो एंजेला मार्कल ने एक कदम पीछे लिया और बिल्कुल कोई बात नहीं करते। बीच में सुनने में आया कि कोई एक मसौदा भी तैयार हो रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और एक बयान की भी तैयारी हो रही थी चाइना के खिलाफ, उसके ऊपर वीटो कर दिया किसने, एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा कईयों ने तो, और जिन्होंने सुना है वो तो जानते ही हैं, उसका नाम है माल्टा, बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने वीटो कर दिया और पूरा जो तैयारी थी चाइना को घेरने की वो कोलैप्स हो गई। अब फ्रांस क्यों नहीं ये सब कर पाता है, उसका कारण है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस का नक्शा देखें और इंडिया का नक्शा देखें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो फ्रांस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स को मिला के तकरीबन उतना बड़ा होगा, भारत का एक चौथाई मान लीजिए आप। और आपको मालूम है कि उसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो इलाका होता है आपकी आपके तट से जहां पे आप अपनी माइनिंग एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स का इलाका होता है, यानी कि इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन है इससे 200 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र के आप जाएं और एक रेखा खींच लें और उसमें आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं तो हर एक आइलैंड के ऊपर एक प्रकार रख के और आप एक गोला खींच दें जो कि 200 नॉटिकल माइल को दर्शाता हो, तो वो इलाका भी आपका होता है। तो ऐसे आपकी आइलैंड टेरिटरी है, लक्षद्वीप में है, आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं, तो ये सब मिला के हमारा तकरीबन इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 800,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। और हम लोगों का जो ईईजेड है ये 18वें नंबर पे आता है, हम दुनिया में 18th रैंकिंग में आते हैं जहां तक ईईजेड का सवाल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। आप अंदाजा लगाइए या गैस कीजिए आप कि फ्रांस का कितना होगा। फ्रांस जिसका क्षेत्रफल भारत का एक चौथाई के करीब है, तकरीबन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बराबर का, तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होगा। आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 1,17,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन अगर किसी मुल्क का है तो वो फ्रांस का है, ना वो कनाडा का है, ना वो अमेरिका का है, ना वो रूस का है, ना वो चीन का है, ना वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो है फ्रांस का। उसका कारण यह है कि ये जितने बहुत सारे उसके आइलैंड टेरिटरीज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पैसिफिक ओशन में खास तौर से और इंडियन ओशन में, इसीलिए वो एक अलग पॉलिसी के तहत चलता है। वो ही एक वाहिद मुल्क है आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरोपियन यूनियन से हटकर और चाइना को क्रिटिसाइज करता है, चाइना को घेरने का प्रयास करता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या जो क्वाड्रिलैटरल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, दैट इज जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, आप ये सोच लीजिए, ये मान लीजिए कि फ्रांस इस क्वाड्रिलैटरल का 5वां
सपोर्टर हैं या पांचवा मेंबर मान लीजिए, क्वाड्रिलेटरल की जगह उसको पेंटागन मान के चलिए, पांच कोनों वाला, तो अलायंस। तो ये फ्रांस की स्ट्रेंथ है, ये फ्रांस की मजबूती है। और तो ये सारी चीजें देखते हुए अब फ्रांस हमेशा इंडिया के साथ में सपोर्ट में रहता है। इंडिया का अगर साउथ चाइना सी के अंदर कोई मसला है चाइनीज के साथ, क्योंकि हम क्वाड के मेंबर हैं तो हमारा मसला है बिल्कुल, और हम बिल्कुल खिलाफ हैं चाइनीज हेगेमनी के। हमारे दोस्त हैं वहां पर, वियतनाम हमारा दोस्त है और वो काफी परेशान है, जापान हमारा दोस्त है वो ईस्ट चाइना सी में वहां पर थ्रेटन फील करता है, ताइवान हमारा दोस्त है, तो हम अपने दोस्तों को अबैंडन भी नहीं कर सकते। और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ फ्रांस बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का इंडिया में आना बहुत महत्वपूर्ण था, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में भारत को एक किस्म की सलाह देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दिशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है। और ये भी समझ सकते हैं हम कि भारत जो है वो इन टेक्नोलॉजीज में अमेरिका के बगैर बतलाए इनमें काफी काम भी कर रहा है। तो ये थी इंपॉर्टेंस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडिया विजिट की। इसके अलावा हमने अफगानिस्तान के बारे में बात करी, साउथ चाइना सी के बारे में बात करी और उनके साथ में, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की विजिट थी। और मैंने इसमें फ्रांस का उल्लेख इस पूरे इसमें इसलिए किया कि आपकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में नजर आ जाती है। फ्रांस चाहे कितना भी छोटा हो, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन है उसके पास, यानी कि इकोनॉमिक पावर है उसके पास में, इंडस्ट्रियल पावर है, टेक्नोलॉजी है, तो वो भी एक अहम मुल्क बनता है और वो भी एक एलाई है। तो इसीलिए मैंने ये उसका उदाहरण दिया कि हमें भी इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हम इतने पावरफुल नहीं है शायद जितना होना चाहिए, और अगर उस लेवल तक की पावर चाहिए तो फ्रांस का उदाहरण लेते हुए हमें अपनी इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने जितना भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर अपनी पकड़ और मजबूत करनी पड़ेगी। और जितने भी ये मुल्क है जहां पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का गेम चाइना ने खेला है, जहां पर उसने अंधाधुंध पैसा तो फेंक दिया लेकिन वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ हो उन मुल्कों का, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कर्ज में डूब गए। यहां पर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हब बन के इंडिया जो है इन मुल्कों के साथ में एक अलग किस्म का रिलेशन बना सकता है और चाइनीज हेगेमनी, चाइनीज जो स्ट्रेटजी है उसको काट सकता है। तो ये थी मेरी बात ऑन एंथनी ब्लिंकन, साथ ही साथ फ्रांस का उल्लेख और इंडिया को कैसे चाइनीज स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटना चाहिए इन दिस पर्सपेक्टिव। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।